हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुभाष चोपड़ा जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर, वो सुन लेते। मैंने मीटिंग में भी उठाई इस बात को कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण आए हैं, जब तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह थी एचएम साहब ने भी इस बात को माना कि हमने अपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेटेड हैं उनको भी कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि उनके ऊपर अंकुश लगाएं, वरना ये भड़काऊ, अगर भड़काऊ भाषण नहीं देते, भड़काऊ बातें नहीं करते तो आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली की ये सिचुएशन नहीं होती। हिंसा को हिंसा बढ़ती कैसे है कि भड़काऊ भाषणों से। आपको लगता है 15 से ज्यादा जगहों पे लगातार प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन दो दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी के नेता वहां जाते हैं उसके दो घंटे के बाद से ही वहां पे जो है प्रदर्शन, इस तरीके की हिंसक घटनाएं होने लग जाती हैं। देखिए, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि दिल्ली के अंदर हिंसा को रोका जाए, और जो बात जो मैंने पहले कही है कि किस तरह से ये भड़काऊ भाषण दिए गए जिसकी वजह से हिंसा बढ़की, एचएम साहब ने आश्वासन दिया कि उसके ऊपर भी पूरा अंकुश लगेगा। उनके बिना नाम लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ सक्सेसफुल कार्रवाई भी होगी। तो सुभाष चोपड़ा का साफ साफ कहना है कि कोई भी नेता अगर भड़काऊ भाषण देता है तो उस पर काबू पाना चाहिए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।